इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज तक संवाददाता अक्षय की मौत के मामले में नया पेच आया है। एम्स ने अक्षय की दो में से एक विसरा की जांच से इनकार कर दिया है। दरअसल दूसरे सैंपल की जांच से जहर का पता चलेगा, लेकिन अब एम्स ने जहर की जांच के लिए दूसरे सैंपल को सीएफएसएल में भेजने की सिफारिश की थी, जिसके बाद सैंपल सीएफएसएल भेज दिया गया। चिराग इस वक्त हमारे साथ है, हमारे सहयोगी चिराग, पूरी खबर बताएं। देखिए, कल जो टीम आई थी मध्य प्रदेश पुलिस की, वो दरअसल दो सैंपल्स लेकर आई थी। एक सैंपल जो था वो बॉडी पार्ट का जो विसरा लिया गया था वो था, और दूसरा जो सैंपल था जो पॉइजन और केमिकल का था। तो एक सैंपल की जो जांच है वो जब सुधीर गुप्ता डॉक्टर से मिले, जो फॉरेंसिक हेड है पूरी टीम, तो उन्होंने एक सैंपल को जो है पूरी जो फॉर्मेलिटीज करने के बाद अपने पास रख लिया और उसकी जांच भी शुरू कर दी है। इस तरह की जानकारी हमें मिल रही है। जबकि जो दूसरे सैंपल है उसको इनकार किया है, जो पॉइजन और केमिकल है। दरअसल उसकी जांच एम्स में नहीं होती है, उसकी जो जांच है वो एफएसएल में ही होती है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में, चाहे वो सीएफएसएल में हो या फिर एफएसएल में हो। तो अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है कि वो भेज दिया गया है सैंपल एफएसएल रोहिणी के लिए, वहां पर इसकी जांच की जाएगी, ताकि इस पूरे मामले में जो पॉइजन और केमिकल है वो उसका पता लगाया जा सके कि अगर बॉडी में मिला है तो वो किस तरह का पॉइजन और केमिकल है। ये तमाम जांच जो है वहां होगी। इससे पहले जो दो पैकेज लेकर आए थे मध्य प्रदेश पुलिस की टीम, वो बकायदा यहाँ सुधीर गुप्ता डॉक्टर जो है फॉरेंसिक साइंस के हेड है उनसे मिले थे, और उन्होंने उनको बताया कि एक जांच जो है यहाँ संभव है, जबकि दूसरी जांच जो है यहाँ संभव नहीं है। इससे पहले एक लेटर भी लिखा था जो मध्य प्रदेश पुलिस की टीम की तरफ से लिखा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि ये इस मामले की जांच करनी है, विसरा भेजा जा रहा है। और मैं रोकूंगा आपको चिराग, एम्स के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता इस वक्त हमारे साथ है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये पूरा केस थोड़ा हमें समझाएं। देयर आर टू सेट ऑफ सैंपल ऑफ विसरा, दो सेट जो है होती है, एक मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है जिसमें हार्ट अदर टिश्यूज है, और दूसरा केमिकल एग्जामिनेशन का सैंपल होता है। जी, तो जो मेडिकल एग्जामिनेशन का सैंपल है जिसमें हार्ट है, कॉर्नरीज वगैरह का जिसमें एग्जामिनेशन होगा, वो हमने रिटेन कर लिया, ले लिया, एंड एक मेडिकल बोर्ड बना के उसकी एग्जामिनेशन भी शुरू हो गई। दूसरा जो केमिकल एग्जामिनेशन है सैंपल का, वो फोरेंसिक लेबोरेटरी में होता है, और वहां का जो रिपोर्ट है वही कोर्ट में एक्सेप्ट होता है। अच्छा, दैट सैंपल वी हैव गिवन। नहीं सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, क्या ये माना जाए कि जो दो सैंपल्स आए थे जो आप मुझे बता रहे हैं, तो वो दोनों सैंपल्स एक्सेप्ट कर लिए गए हैं, उनकी प्रॉपर जांच हो रही है अभी? दोनों सैंपल में एक सैंपल जिसमें मेडिकल एग्जामिनेशन करना है वो हम लोगों ने ले लिया है, और जिसमें केमिकल एग्जामिनेशन करना है वो फोरेंसिक लेबोरेटरी पे जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर ये है कि अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अक्षय के घर पहुंचे, और यह भी खबर आ रही है कि अक्षय की बहन को नौकरी देने की उन्होंने बात कही है, नौकरी की पेशकश की है। दिल्ली सरकार ने दी नौकरी की पेशकश। अक्षय के घर पहुंचे हैं सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया।